हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। व्हाट इज़ वाटर वेस्कुलर सिस्टम? ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है किसका, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। और ये ऑलमोस्ट सभी काइनोडर्म्स पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये सिस्टम होता क्या है, एक वो सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या फिल्ट रहता है, सी वाटर, और इसको हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या डिवेलप होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर, और इसलिए हम इसको हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस प्रेशर डिवेलप का क्या अल्टीमेट फंक्शन होता है कि ये फाइनली जो इसका एक ट्यूब फीड का स्ट्रक्चर होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्यूब फीड क्या होते हैं, ये उसकी फंक्शनिंग में उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब कि जो प्रेशर डेवलप होता है इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, वो ट्यूब फीड की फंक्शनिंग में उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, देन जो ये पूरा सिस्टम है ये अंदर से क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होगा। ठीक है, और ये वेल डेवलप्ड ये वाला जो सिस्टम है ये देखा जाता है कि इसके अंदर एस्टीरॉइड्स के अंदर। ठीक है, अब जो ये पूरा सिस्टम है इसके डिफरेंट पार्ट्स या आप कह सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट होता है इसका कौन सा, मेड्रिपोराइट, देन उसके बाद आता है स्टोन केनाल, रिंग केनाल, फिर जो रेडियल केनाल हैं वो 5 प्रेजेंट होती हैं, देन टाइडिमेंस बॉडीज, लेटरल केनाल एंड ट्यूब फीड। ठीक है, अब हम यही जो इसके कंपोनेंट्स हैं जो इनके पार्ट वो हम डायग्राम पे देखेंगे कि वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने बोला मेड्रिपोराइट, वो प्रेजेंट होता है इसका ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, देन सेकेंड आता है इसका ये स्टोन केनाल का स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड वन आ जाती है इसकी एम्बुलेक्रल रेडियल केनाल, ये इसकी 5 प्रेजेंट होंगी। ठीक है, देन उसके बाद रिंग केनाल, ये इस तरह से ये प्रेजेंट होगी यहाँ पे एक रिंग की शेप में, देन ये जो छोटी छोटी हैं ये होती हैं इसकी टाइडमैन बॉडीज, देन उसके बाद एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पोलियन वेजिकल, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा ये प्रेजेंट होगा, देन उसके बाद एम्बुलेक्रल रेडियल केनाल, देन उसके बाद लेटरल केनाल, और फाइनली ये जो स्ट्रक्चर ये कौन सा होता है इसका ट्यूब फुट होगा, अगर हम सिंगुलर यूज़ करें, और ट्यूब फीट होगा अगर हम उसको प्लूरल में यूज़ करें। ठीक है, ये था एक आउटलाइन स्ट्रक्चर जो हमने इसके कंपोनेंट्स की बात की कि कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, आप हम इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा और डेप्थ पे देखेंगे और इसको डेप्थ पे स्टडी करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें किस मैड्रीपोराइट की, ठीक है, मैड्रीपोराइट क्या होता है, ये एक हार्ड आप कह सकते हैं सर्कुलर आप एक राउंडेड कैलकेरियस प्लेट होती है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है कौन सी साइड पे, एम्बोरल सरफेस या एम्बोरल एंड पे। ठीक है, जब हमने इकाइनोडर्म के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था वहाँ पे हमने कहा था इकाइनोडर्म्स के पास दो तरह की सरफेस प्रेजेंट होती हैं, एक होती हैं ओरल और एक होती है एम्बोरल। ठीक है, ओरल सरफेस वो होती है जहाँ पे इनकी माउथ ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और एम्बोरल सरफेस वो होती है जहाँ पे इनकी एनल ओपनिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोस्टली जो इनकी एबोरल सरफेस है वो इनकी डॉर्सल सरफेस ही होती है। ठीक है, तो जो मेड्रिपोराइट की सर्कुलर ओपनिंग है ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, इनकी एबोरल सरफेस पे वाली साइड पे। ठीक है, देन ये जो मेड्रिपोराइट है जो अपने स्टोन कैनाल्स के साथ अटैच्ड होता है इस रेडियल रिंग के साथ, ये जिन दो आर्म के बीच पे प्रेजेंट होता है उन आर्म को हम क्या नाम देते हैं, बाइवियम। ठीक है, ऐसे तो इसके ये भी आर्म है, ये भी आर्म है और ये भी आर्म है, बट जिन दो आर्म के बीच पे ये मेड्रिपोराइट प्रेजेंट होता है उन दो पर्टिकुलर आर्म्स को हम क्या नाम देते हैं, बाइवियम। ठीक है, देन उसके बाद ये जो सरफेस होती है किसकी, ये जो मेड्रिपोराइट की, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे आपको ऐसे नजर आएगा इसके पीछे ग्रूव्स या फरोज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो फरोज है ये इनका नंबर नियर अबाउट आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा होता है, जब कैसे लार्ज नंबर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इनके फिर बीच पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर्स। ठीक है, देन
उन्हीं पोर्स से जो वाटर फाइनली यहाँ से कलेक्ट होके इनके नीचे वाले पार्ट की तरफ क्या करता है, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा या कुछ आगे की तरफ वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा और देखेंगे कैसे होगा कि मेडिपोराइट का स्ट्रक्चर होगा। इसके ऊपर ये लॉन्गिट्यूडनल क्या होंगे, फरोस प्रेजेंट होंगे, फरोस के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे पोर्स, और पोर्स कैसे होंगे ये सिलेटेड होंगे, मतलब इनके जो केनाल के अंदर के वो सीलिया पर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। देन जब सारे पोर्स एक कॉमन स्ट्रक्चर पे ओपन होंगे वो स्ट्रक्चर इनका कौन सा बनेगा, एम्पुला, और एम्पुला फिर फाइनली नीचे किस पे ओपन हो जाएगा, जो इनका स्टोन केनाल का जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो इसका दिखाई देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट आ जाता है, स्टोन केनाल। ठीक है, स्टोन केनाल हम स्टोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ये स्टोन केनाल जो आपको ये एक स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, एक्चुअल में ये कैसे होता है, एस शेप्ड में होता है। ठीक है, एक ये सेकंड जो इसकी वॉल होती है, इसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, आप कह सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ सीरीज ऑफ कैलकेरियस रिंग। ठीक है, कैलकेरियस रिंग होने से ये काफ़ी ये हार्ड और स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसलिए हम इसको स्टोन केनाल के नाम से भी कहें जानते हैं। ठीक है, देन जो स्टोन केनाल है एक एंड से प्रेजेंट होगी ये मेडिपोराइट के साइड, और दूसरा एंड इसका किसके साथ प्रेजेंट होगा, रेडियल सर्कुलर रिंग के साथ। ठीक है, देन जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इसका अब क्या आ जाता है, रिंग एम्बुलेक्रल वेसल। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं रिंग एम्बुलेक्रल वेसल। इसका क्या फंक्शन होता है, ये एक्चुअली कैसे होती है, पेंटागोनलिन शेप। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो एक्चुअल में हम सर्कुलर रिंग कह रहे हैं, ये एक्चुअली कैसे होता है, पेंटागोन, इसकी फाइव साइड्स होती है, एक दो तीन चार और पांच। ठीक है, ये क्या होती है, पेंटागोनल आप कह सकते हो रिंग लाइक वेसल होती है, जो मोस्टली किसको सराउंड करती है, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का इसोफेगस वाला पार्ट है। ठीक है, देन इसी रिंग से फिर क्या होती है, फाइव रेडियल केनाल्स की क्या होती है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ये जब रिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ से फाइनली क्या होता है, जो रेडियल केनाल है वो यहाँ से क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट क्या होगा कि हर एक रेडियल आप उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो इनका रिंग केनाल का स्ट्रक्चर, इसके साथ दो और स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं, एक होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, टाइडीमैन बॉडीज। ठीक है, जो टाइडीमैन बॉडीज या जिनको हम रेसमोस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक्चुअल में इनका शेप कैसे होती है, ये बिल्कुल स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं, येलो स्ट्रक्चर में होंगे, और ये ग्लैंडुलर सैक की जो ओपनिंग है वो इनके जो है वो उस किस पे ओपन होती है, जो इनके रेडियल केनाल वाले पार्ट पे। एक्चुअली आप कह सकते हो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो इनके रेडियल केनाल पे क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, एक्चुअली में ये कहा जाता है कि जो इनका नंबर है वो इनका स्पीशीज टू स्पीशीज भी क्या करता है, वेरी करता है, और इसके अंदर स्टार फिश के अंदर आपको कितने नज़र आएंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जहाँ पे ये मेडिपोराइट की ओपनिंग होती है वहाँ पे एक सिंगल ही क्या होगा, वो टाइडीमैन बॉडीज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कहा जाता है कि ये एक डिफेंस सिस्टम के जो इम्यून सिस्टम की तरह क्या करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो ये इसका ग्लैंडुलर सैक है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फैगोसाइट सेल्स, और फैगोसाइट सेल्स क्या करते हैं कि जो भी मेडिपोराइट से वाटर इनके इस सिस्टम के अंदर इंटर कर रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई आप कह सकते हो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है, तो फैगोसाइट्स उनको इंगल्फ करके उस पूरे वाटर को क्या कर देंगे, प्योर कर देंगे, ताकि जब वो उसकी बॉडी के अंदर नेक्स्ट पार्ट तक फ्लो करें उस पर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम की तरह क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो इसके फंक्शन है, जिसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो अभी तक इसका नाउन नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट फिश की कौन सी आ जाती है, इसकी पोलियन वेजिकल। ये इसके आप कह सकते हो कि इन्हीं टाइडमैन बॉडीज के साथ वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके वो अटैच्ड होते हैं, और उनका ये फंक्शन होता है कि वो स्टोर करके रखते हैं क्या, एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, देन फिरिंग केनाल से फाइव रेडियल जो है इनकी केनाल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हो कि हर एक इसकी जो पेंटागोनल साइड से एक एक रेडियल केनाल का क्या होगा,
ओरिजन होगा, ठीक है। देन फिर हर एक रेडियल केनाल के से आप कह सकते हैं दोनों साइड पे एक लेटरल केनाल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर ये इसकी रिंग केनाल, देन ये आ गई रेडियल केनाल, और रेडियल केनाल से कौन सी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे इनकी, लेटरल केनाल की, ठीक है। और ये जो लेटरल केनाल है ये फिर फाइनली किसके साथ अटैच होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको सिलेंड्रिकल जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ट्यूब फुट, अगर हम सिंगुलर बात करें ट्यूब फिट होगा जब हम इनका प्लूरल पे हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब जो रेडियल केनाल से क्या ओरिजिनेट हुई, लेटरल केनाल, और लेटरल केनाल किसके साथ अटैच्ड होगी, इनके जो ट्यूब फुट के स्ट्रक्चर या ट्यूब फीट के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। देन अगर इन स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और इलेबोरेट करके देखेंगे तो आप ये देखोगे कि जो ये ट्यूब फीट का बिल्कुल स्मॉल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में कैसा होगा, तीन पार्ट्स होते हैं किसके, आप कह सकते हो ट्यूब फुट के, एक हो गया ये जो सर्कुलर पार्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एम्पुला, एक ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोडियम या पोडिया, ठीक है। देन नीचे इसका ये प्रेजेंट होता है सक्कर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स कि जो भी इसका ट्यूब फुट का स्ट्रक्चर होगा, जो ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर होगा उसके तीन पार्ट होंगे, सर्कुलर एम्पुला वाला पार्ट, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो हो गया इनका कौन सा, पोडियम का स्ट्रक्चर, और जो इनका टर्मिनल डिस्क वाला पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है ये होता है इसका शक्कर का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन उसके अलावा एम्पुला को सराउंड और पोडियम को सराउंड करते हैं वहाँ पे क्या मसल्स, एज वेल एज वहाँ पे मोटर नर्व की भी क्या होती है, सप्लाई होती है, ठीक है। एम्पुला वाले पार्ट पे भी होगी और उनके ट्यूबुलर फीट या फूट वाला पार्ट है वहाँ पे भी क्या होगी, ये अप्लाई होगी, ठीक है। देन जो ये ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर है इसको हम पोडिया भी कहते हैं, इनका क्या होगा कि जो इसका एम्पुला का स्ट्रक्चर है ये एकदम से कैसा होगा, या आप कह सकते हो पूरे स्ट्रक्चर कैसा होगा, हॉलो होता है, इलास्टिक होता है, थिन वॉल्ड होगा, ठीक है। देन ये जो पोडियम का पार्ट है ये इसका काफ़ी क्या करता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, और शक्कर वाला जो पार्ट होगा वो आप कह सकते हो सबस्टेटम के साथ क्या करके रखेगा, एक अपने आप को फिक्स करके रखेगा, जो फाइनली इनकी लोकोमोशन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो इनकी इकाइनोडर्म्स की लोकोमोशन पे मोस्टली क्या करते हैं, रोल वो प्ले करते हैं, साइड बाय साइड वो रेस्पायरेशन एज वेल एज आप कह सकते हो फूड कैप्चरिंग पे भी जो ये ट्यूब फीट वाला पार्ट है वो काफ़ी मेजर रोल क्या करते हैं, प्ले करता है, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, अगर नहीं आया जो अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।